राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2023 में रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी और साथ ही भद्रा का साया किस समय होगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। बंधुओं, इस बार 2023 में 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। बंधुओं, इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 2 दिन 30 और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई में राखी बांधना वर्जित माना जाता है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसीलिए रक्षा बंधन के त्योहार पर कब तक रहेगा भद्रा का साया और राखी का त्योहार कब मनाएं, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, मैं आपको ये सब बताने जा रही हूँ। बंधुओं, इस वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे शुरू होगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा के कारण इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर बहुत मतभेद है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर प्रारंभ हो जाएगा, जो रात को 9:01 तक रहेगा। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेगी। दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर समाप्त होगी। इस तरह से 30 अगस्त को सुबह भद्रा के लगने से पहले राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। बंधुओं, रक्षाबंधन भद्रा मुख 30 अगस्त 2023 की शाम 6:31 से रात 8:11 तक होगा। रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:03 पर होगा। बंधु, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह काल यानी दोपहर के समय भद्रा रहित काल में मनाना शुभ होता है। लेकिन इस वर्ष 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी। भद्रा में राखी बांधना अशुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त 2023 को रात 9:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है। वहीं 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। बंधु, भद्रा क्या होती है? धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनि देव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहां विघ्न आने लगते। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। भद्रा को 11 कारणों में सातवें करण यानी विशिष्ट करण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग,
पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों नाश हो गया था। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।